वेलकम बैक गाइस। तो हम आ चुके हैं अपने जिम के नीचे वापस से और आज है हमारा बैक डे, जैसे कि मैंने तुमने कल कहा था। तो आज है हमारा बैक डे, तो फटाफट से चलते हैं और मिलते हैं पहले सेट पे। और ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। इस बार मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से मसल पार्ट पे कौन सा एक्सरसाइज वर्क करता है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो हम आ चुके हैं अपने जिम वापस से और आज हमारा थोड़ा बैक का वर्कआउट, तो हमको पहला जो एक्सरसाइज लेना है वो होगा बिहाइंड द नेक। अब बिहाइंड द नेक में वर्कआउट को परफॉर्म कैसे करते हैं वो बताता हूँ। चलो तो बात करते हैं हमारे सबसे पहले एक्सरसाइज की। तो सबसे पहला एक्सरसाइज जो होने वाला है वो होगा वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन। बेसिकली इस पे आपको बारबल को अपने शोल्डर के थोड़े से वाइड ग्रिप में पकड़ना पड़ता है और उसके बाद आप इसको पकड़ के बैठ जाइए। और सबसे पहला सेट आपको मारना है अपने सर के पीछे बारबल को लेकर आके, और इससे आपका जो मसल पार्ट पे हिट होगा वो होगा लोअर फाइबर पे और होगा लेग्स पे और होगा शोल्डर प्लेट्स पे। तो तीन मसल पार्ट पे इस पे लोड पड़ता है, तो आप इस एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट में शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे दूसरे एक्सरसाइज की, जो कि होगा सीटेड केबल। तो सीटेड केबल करने के लिए सबसे पहले आपको रॉड को अच्छे से पकड़कर अपनी बैक को स्ट्रेट करना पड़ेगा, जिससे कि आप बैक को अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद आपको वेट ऐसा चूज करना है जिससे आप 8 से 10 रेप निकाल सको, जिससे कि आपके इस वर्कआउट से लोअर फाइबर्स और लैट्स पार्ट पर फोर्स पड़ता है। तो आप इस पे देख सकते हो मैं कितने आराम से इस वर्कआउट को परफॉर्म कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल ऐसे ही वर्कआउट को परफॉर्म करते जाना है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे एक्सरसाइज, तो अब बात करते हैं हमारे तीसरे एक्सरसाइज की, जो कि होगा लेट पुल डाउन। लेट पुल डाउन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने शोल्डर के पास वाले ग्रिप पे पकड़ना पड़ेगा बारबल को और उसके बाद अपने सामने खींचना पड़ेगा चेस्ट के सामने, तो जिससे कि आपके दो मसल पार्ट पर हिट होता है, मतलब कि आपके लेट्स पार्ट पे और दूसरा लोअर फाइबर्स पे आपका लोड आता है। तो अब बात करते हैं हमारे चौथे एक्सरसाइज की, जो कि होगा स्टैंडिंग केबल रॉ, जिसमें आपको आर्च बनाकर कुछ इस तरीके से वर्कआउट को परफॉर्म करना है और वेट अपने हिसाब से ही आप सिलेक्ट करिए, जिससे आप 10 से 12 रिपीटेशन आराम से ले सके, जिससे कि आपके लोअर फाइबर पार्ट पर लोड आएगा और सेकेंड आपका थोड़ा सा लोड शोल्डर ब्लेड पार्ट पर भी आता है। तो अब बात करते हैं हमारे पांचवे एक्सरसाइज की, जो कि होगा चेस्ट सपोर्टेड रॉ। इसमें आपको दो डंबल और इंक्लाइन बेंच की सहायता लेनी पड़ेगी, जिसमें आपको इंक्लाइन बेंच को इंक्लाइन पर रखना है और उसके बाद दोनों डंबल को एक साथ मतलब कि अपने बैक के सामने जैसे सीटेड केबल पर लेके आते हो वैसे ही डंबल को भी लेकर आना है, जिससे कि आपका शोल्डर ब्लेड पार्ट पर लोड आएगा और सेकेंड आपका लेट्स पार्ट पर भी लोड आता है। ये वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और असरदार है, इसको आप अपने वर्कआउट पे जरूर शामिल करें। ओके, तो मैंने टोटल आपको बैक के 5 एक्सरसाइज करके बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आगे पीछे घुमा कर देखिए और आप जान सकते हैं कि बैक का कौन सा मसल पार्ट किस एक्सरसाइज से पंप होता है या फिर उस पर टेंशन ज़्यादा आता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करना। मिलता हूँ आपसे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।